पाएंगे न्यूज 38 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के देवियाना स्थित ECL की डिस्पेंसरी में कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना वायरस को देखते हुए धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह के निर्देश पर शनिवार को बैजना कोलियरी अस्पताल में जांच शिविर का आयोजन किया गया। जांच में 300 लोगों का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया गया था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों में जागरूकता उस समय देखने को मिली। 8 बजे के पूर्व 6 बजे से लाइन लगाकर लोग खड़े हो गए। जांच में 4 टीम लगाई गई थी। लोगों की भीड़ को देखते हुए 300 किट और मंगवाना पड़ी। जांच शुरू होने के पूर्व से निरसा BDO विकास कुमार राय एवं प्रशासन व्यवस्था के लिए मौजूद थे। BDO विकास कुमार राय ने कहा कि जांच का लक्ष्य 300 का था। उन्होंने कहा कि जांच में 4 कोलियरी के कर्मी जांच में आए थे। आपको बता दें कि जांच कराने के लिए आए भारी मात्रा में उमड़े सैलाब को देखते हुए ये साफ नजर आ रहा था कि किस प्रकार अधिकारियों के सामने आए ECL कर्मी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि 650 लोगों की जाँच की गई है, जिसमें 6 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें कोविड अस्पताल में पहुँचाया गया। मुखमा संवाददाता पप्पू केवट की रिपोर्ट। यहाँ उपायुक्त धनबाद के आदेश से ECL बैजना डिस्पेंसरी में 300 टेस्ट कराने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन भीड़ को देखते हुए कुछ भीड़ ज़्यादा दिख रही है, जिसके चलते 200 किट और मंगाया गया है और 500 टेस्ट यहाँ कराए गए। अभी तक कितने लोग यहाँ पुष्टि हो पाई है सर? अभी तक 2 पॉजिटिव पाए गए हैं। सर यहाँ किन किन कलोरियों का वर्कर लोग का जाँच हो रही है? यहाँ पर अभी 4 कोलोरी के लोग आ गए हैं, हड़िया जाम के, श्यामपुर के, लक्ष्मी माता के और बैजना। 4 कोलोरी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं जांच कराने के लिए। सर बाहर जो सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं पालन हो रहा है, उसके खिलाफ सर एक्शन अभी तक क्यों नहीं किया सर? फोर्स को लगाया गया है सोशल डिस्टेंसिंग। शुरुआत में प्रारंभ में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, 6 बजे से ही मजदूर यहाँ पर आ गए थे और हम लोग यहाँ पर 8:30 में पहुँचे थे। 8:30 बजे टेस्ट स्टार्ट करने का समय निर्धारित था,